सभी लोग नीचे बैठ जाओ, हम बैंक लूटने आए हैं। चल बे बुड्ढे दरवाज़ा खोल, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। कोई चलाकी नहीं करेगा, खोल दरवाज़ा जल्दी से। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, अगर कोई हिला तो गोली से उड़ा दूंगा सबको। चल बुड्ढे सीधा होके बैठ, इस लड़की को भी अंदर डालो, अंदर डालो इसको। चलो अब तुम तीनों भी अंदर चलो बेटा, चलो चलो जल्दी करो। चलो उठ बुड्ढे, जल्दी कर जल्दी, इतना टाइम नहीं अपने पास। चल 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 जल्दी, ड्रामे मत कर, अंदर चल। चल अब तू भी नीले स्वेटर, जल्दी से चल अंदर। चल 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 दूसरे तू भी। चल बेटा चल, बैंड बाजा लेके आऊँ तेरे लिए। अब काम तो इतना रहा है जैसे ठंड लग रही हो। अब इनको अंदर डालो, अब बंद कर दे लॉक, कर दे इसको अच्छे से बाहर से। अब देखो ये नई टेक्निक आई है, मैं अब तिजोरी को उड़ाने जा रहा हूँ बम से। ये नई टेक्निक है फ़ोन से बम को चलाना। ये देखो अब मैं डायल करने लगा हूँ इसको, और ये देखना अब धमाका होगा बहुत जोरदार। ये हुआ धमाका, लो जी अपना काम हो गया। अब बारी है जल्दी जल्दी हाथ चलाने की, जल्दी जल्दी चलो। अब यहाँ पर रुके रहो वरना पुलिस आ जाएगी, पकड़े जाएंगे, फिर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अब जल्दी करो, जितना उठा सकते हो उठा लो बेटा, बाद में मत कहना कि मेरे पास कम रह गया, मेरे पास कम रह गया। अब पूरा पैसा ही पैसा, सारी तरफ पैसा ही पैसा। अब थोड़ा मैं भी उठा लेता हूँ कहीं से, ये तो कागज ही पड़े हैं शायद। अब मैं भी उठा लेता हूँ थोड़ा सा। भर लिए बैग तुम दोनों ने, कुछ रह गया? चलो फिर चलते हैं, पुलिस वाले आते ही होंगे, जल्दी चलो। ओहो ये पुलिस वाला कहाँ से आ गया? इसको हिस्सा देना पड़ेगा शायद बीच में, थोड़े पैसे इसको दे देते हैं। नहीं ये पैसे वाला नहीं है, ये ईमानदार पुलिस वाला लगता है कोई, ये नहीं मानेगा ऐसे, इसको तो मारना ही पड़ेगा। चल भाई मार गोली इसके। भाई मार दे, तब मारेगा जब मुझे मार देगा वो। बड़ा टाइम लगा दिया यार तूने, कमाल का बंदा है तू। चलो अब चलते हैं जल्दी चलो, हाँ थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, थक गए चलते चलते। चलो अब तुम लोग किसका इंतजार करने लग गए? लगता मेरा ही इंतजार हो रहा है। चलो फिर आ गया मैं, बताओ क्या करना है अब आगे? तो फिर से बम लगाने लग गया? कितने बम लेके आया भाई घर से? सारी बिल्डिंग मत उड़ा देना तुम, नीचे दब जाएंगे। चलो भाई चलते हैं अब। ये कहाँ फंस गए? अब शटर के लिए मुझे कह रहे हो, खुद खोल लो। वो आ गए तुम्हारे बाप उधर पुलिस वाले, अब करेंगे तुम लोगों को अंदर। वो मैं तो भाग जाऊंगा इनको मार के, काफ़ी ज़्यादा आ गए यार ये तो। अब ठीक है, मास्क उतार के काम चलेगा। इनको अपनी शक्ल दिखा के ही मार दूंगा मैं तो। तुम लोग भी मारो किसी को, सारे मैं ही मारूंगा। इकट्ठे ही खड़ गए उधर जाके दोनों, वो तो बैठ ही गया उधर। सभी को मुझे ही मारना पड़ेगा शायद, मैं शहीद ना हो जाऊं इधर कहीं इनको मारते मारते। इंडिया की पुलिस नहीं है भाई,
कितने रह गए अब? हो गया काम मुझे लगता है, एक रह गया इधर। इसकी खोपड़ी उड़ जानी थी, अब बच गया। दूसरे करेक्टर में घुसना पड़ेगा तभी काम चलेगा। ये ठीक है, इसकी तो खून से बुरी हालत हो चुकी है। चलो चलो चलो, भागो भागो, जल्दी करो, गाड़ी ढूंढो कहीं पे। पुलिस वालों को आते ही जाएंगे नहीं तो। हाँ, टायर पंचर हो गया इसका, टायर पंचर कर दो सबके। वो एक और गाड़ी आ गई यार, बहुत ज़्यादा पुलिस है। एक और आ गई। हाँ, ये हुआ ना हवाई फायर। चल मेरे भाई, हो गया काम उनका तमाम। चलो भाई चलो, बैठो गाड़ी में। कौन सी गाड़ी है अपनी? पुलिस वाले तो आते ही जा रहे हैं। ये और आ गए दो। चलो अब इनका भी हो गया काम। बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे तो। ये दो गाड़ियाँ और आ गई। ये करेंगे तुम लोगों को अंदर शायद आज। भाई इतना पास मत जा, उड़ा देंगे। उधर खड़ी अपनी गाड़ी, बैठ उसमें और भाग यहाँ से। गाड़ी कौन चलाएगा? तुम्हारा बाप? चलो, इसकी तो शक्ल ही पीछे वाले की खराब है। ये तो भयानक लग रहा है, इसके तो देख के लोग मर जाएं। अच्छा, ये ड्राइवर भी रखा हुआ उन्होंने एक। ओहो, ड्राइवर को गोली लग गई। अब मुझे चलानी पड़ेगी गाड़ी। आओ बेटा, अब अपने बाप से पंगे लेते हो। एक्सपर्ट हूँ गाड़ियों में चलाने में तो। अब देखो कैसे चलती है गाड़ी। गाड़ी के शीशे तो टूट चुके हैं सारे, अब तो इसको कोई कबाड़िया भी नहीं लेगा। बस जो थोड़ी बहुत थी वो इसमें ट्रैक्टर ने कमाल कर दिया। ट्रैक्टर धुआं बहुत छोड़ रहा भाई तेरा, इसका पोल्यूशन चेक करा जाके। क्या बात है, ड्राइविंग तो खतरनाक ही है। रास्ता बदल ले बेटा, नहीं तो ट्रेन आ गई, ट्रेन से पहले निकाल जल्दी। ओ एक्सीडेंट हो गया तकड़े वाला। कौन कौन बच गया तुम तीनों में से? तीनों बच गए, बड़ी सख्त जान हो। इसके तो गोलियां लगी हैं दो। ओहो, इसका तो नाक बह रहा है, इसका बेचारे का बुरा हाल हो गया है। ध्यान से बेटा, खड़े हैं आगे तुम्हारे भाई दोस्त। चलो एक साथ ही तो तुम्हारा गया। भाग जहाँ से, इसको भी लग गई गोली, एक ही बचा। तू उधर कर क्या रहा था भाई? तुझे बोला है साइड में आ जा मेरी तरह, उधर खड़ेगा तो गोली तो चलेगी ना। अब मुझे ही संभालना पड़ेगा, पुलिस भी आ गई। दुश्मन अपने भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी हैं, किस किस से निपटूं? ये ही ना बात। आओ बेटा आओ, एक एक को मजा चुकाऊंगा, बस थोड़ा निशाना कमजोर है मेरा, डॉक्टर से ठीक करवाना है आई साइट। ये ही ना, अब सेक लो इसको, ठंड लग रही होगी तुम लोगों को। आग का इंतजाम कर दिया तुम्हारे लिए। ये और आ गए, भागने में ही बुलाई लगता है मुझे तो। बुढ़िया का पीछा करो, बुढ़िया सही रास्ते लेके जाएगी। बुढ़िया को आगे कर देता हूँ पुलिस वालों को, खुद निपटेंगे।
चलो बढ़िया। तो जप्फियाँ पा रही है पुलिस वाले से, पुरानी दोस्त लगती है इसकी भाई। बर्फ का तूफान आया हुआ है यहाँ तो। लो दोस्तों, अब काफ़ी सालों बाद की बात है ये तो। ये बंदा बेचारा ढूंढ रहा है किसी को, पुलिस वाला है जो, ये मर गया कोई, पता नहीं कौन मर गया ये। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन मरा था, ये अपना ही बंदा है कोई के ऐसे ही है, हमें क्या। ये तो सिगरेट पी रहा है बंदा भाई, स्मोकिंग तो ख़राब करती है, लंग्स ख़राब हो जाएंगे तेरे। ये भी बंदा, अच्छा ये जेल से छूट गया, उस दिन तो गोली लगी थी इसको, ये बच कैसे गया। ये लगता है बंदा खराब है, ये धोखा दे गया अपने दोस्तों को। अच्छा तो ये दोस्तों इंट्रोडक्शन है GTA 5 की, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ये, अब आगे आगे तो बड़े मिशन आने हैं। अब ये अपने घर पे बैठा है डॉक्टर के पास, डॉक्टर इससे पूछ रहा है कि अपने बेटे के बारे में बताओ। तो ये कहता है कि मेरा बेटा तो एक नंबर का निकम्मा है, वो सारा दिन बैठा गेम खेलता रहता है, और क्या क्या करता है वो लड़के जो आजकल करते हैं आपको पता ही है। तो ये पूछता है कि तो तूने क्या कर दिया था ऐसा जो उसने नहीं किया। ये कहता है कि मैं उस टाइम 2 बार जेल जा चुका था जो जब उसकी उम्र का था मैं, तो जब 2 बार जेल गया तो उसके बाद मैंने काफ़ी स्मगलिंग वगैरह भी की, बड़े बड़े गलत काम किए। और डॉक्टर कहता है ये तू इसको बढ़िया काम मानता है। तो ये कहता है कि भाई जो भी है, गलत था सही था, अब जहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ उसी के कारण हूँ, मेरे पास इतना बड़ा घर है और सारा कुछ है, तू बैठा है मेरे पास, तो यही उसी का मेहनत का नतीजा है। तो ये थोड़ा गुस्से हो गया डॉक्टर से, तो डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, ठंड रखो, थोड़ा सा अब तो टाइम हो गया है, अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तो ये कहता भाई ठीक है, अगले हफ्ते सही। ये बेचारा बड़ा परेशान है, शायद अपने दोस्तों को खोने की वजह से उनको ही ढूंढ रहा है शायद ये, तभी इसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी है। डॉक्टर भी ऐसा ही है, नाम का ही डॉक्टर लगता है मुझे तो। ये है शहर GTA 5 का, तो इसमें देखो गाड़ियां हैं, साइकिल है, ये लड़कियां हैं, आइसक्रीम खाओ, एक्सरसाइज करो, इसमें एक्सरसाइज का भी बहुत है। ये इसमें झूले लगे हुए हैं, पानी है, पानी भी रियल लग रहा है इसमें। ये देखो लड़का बड़ा ख़राब है, ये इसमें कुत्ते भी हैं, जॉगिंग कर रहे हैं लोग। ये बेचारा पता नहीं क्या सोच रहा है, ये एक शराबी है, पुलिस वाला बड़ा परेशान है बेचारा इससे। ये इंडिया जैसा ही है शायद, फिर शराबी कोई जैसे इंडिया में पड़े रहते हैं ऐसा ही ये लग रहा है कोई। चलो यहाँ बैठते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। ये दो लड़के जा रहे हैं, इसको पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, तेरे पास कोई घर गुर नहीं है। कहता रुक रुक रुक, मेरे पास घर है, वो सामने उधर घर है मेरा। कहता फिर वहाँ बैठ रहा जहाँ क्या कर रहा है। ये कहता तू क्यों राह चलते लोगों को छेड़ रहा है, मारेंगे तुझे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, याद रखेगा, पंगे मत ले उनसे। Legit. Oh yeah, I forgot, huh? 401k's, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up.